अयोध्या में बाबरी मस्जिद विवाद की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। वहीं अयोध्या मामले में नवंबर महीने में फैसला आने की भी उम्मीद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले अयोध्या जिला प्रशासन ने सरकार से अतिरिक्त फोर्स की मांग की है। बताया जा रहा है कि बाहर से आने वाले पुलिस बल को स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला, मठ और मंदिरों में ठहराया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन के अधिकारी अभी से व्यवस्था करने में जुट गए हैं। पूरे अयोध्या में हाई अलर्ट है, इसी कड़ी में जगह जगह चेकिंग की जा रही है। इससे पहले मुस्लिम पक्ष अपने दिए उस बयान से पीछे हट गया था कि अयोध्या के विवादित स्थल के बाहरी हिस्से में स्थित राम चबूतरा ही भगवान राम का जन्मस्थल है। साथ ही उसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की उस रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए, जिसमें संकेत दिया गया है कि यह ढांचा बाबरी मस्जिद से पहले स्थित था। साथ ही मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया कि उसके इस रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है, कि इस बात के कोई साक्ष्य नहीं है कि 2.27 एकड़ का विवादित स्थल भगवान राम का जन्मस्थान था। उन्होंने ये भी कहा कि उनका सिर्फ यही आशय था कि मुस्लिम पक्ष ने फैजाबाद के जिला न्यायाधीश के 18 मई 1886 के फैसले को चुनौती नहीं दी थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय पीठ ने कहा, आपकी जो भी आपत्ति हो, भले ही वो कितनी भी मजबूत हो, उस पर हम विचार नहीं कर सकते। लेकिन इन सब के बीच जिला प्रशासन ने जो अतिरिक्त फोर्स की मांग की है, उसे देखकर तो यही लगता है कि राम मंदिर मामले पर जब भी फैसला आएगा, विवाद तो जरूर होगा, जिसकी तैयारी प्रशासन पहले से ही करने की कोशिश में लगा है, ताकि स्थितियों को संभाला जा सके। और फैसला क्या होगा, वो तो नवंबर में पता लग ही जाएगा। इस खबर पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को सब्सक्राइब कीजिए।